बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं टोंक में हुई दरिंदगी की। तो अलीगढ़ में 6 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गहलोत सरकार गंभीर है। सरकार की ओर से मासूम के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश टोंक पहुंच रही है। वे परिजनों से मुलाकात कर 5 लाख का चेक सौंपेंगी। बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी टोंक पहुंची। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चे गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। वहीं पूर्व विधायक गोलमा देवी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। इधर टोंक SP आदर्श सिंधु ने भी मामले को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई है। टोंक अलीगढ़ में दरिंदगी का यह मामला है जहां मंत्री ममता भूपेश भी रवाना हो चुकी हैं अलीगढ़ के लिए। परिजनों को 5 लाख का चेक सौंपेंगी। सरकार की तरफ से आर्थिक मदद परिवार को दी जा रही है। दरबार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी टोंक पहुंची। अधिकारियों शिक्षकों को लताड़ लगाई, फटकार लगाई। संगीता बेनीवाल ने कहा कि स्कूल से बच्ची गायब हो जाती है, ये शर्मनाक घटना है और किसी को कोई खबर ही नहीं। और टोंक से संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, संगीता बेनीवाल भी पहुंची हैं आज टोंक, ममता भूपेश यहां पर अलीगढ़ पहुंच रही हैं। फटकार यहां पर शिक्षकों को भी लगाई गई, अधिकारियों को भी लगाई गई, क्या अभी भी उनकी मौजूदगी वहां पर है? कि देखिएगा कि संगीता बेनीवाल सर्किट हाउस के अंदर पहुंची थी, वहां पुलिस के अधिकारी से पूरे मामले का फीडबैक लिया, जो बाल कल्याण समिति थी उनके सदस्य से भी जानकारी ली। साफ तौर के ऊपर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर और स्कूल के शिक्षकों के ऊपर। वो शिक्षक जो उस बच्ची का ध्यान नहीं रख सके, भी जिस तरह की बात सामने आई है कि बच्ची स्कूल से गायब होती है और बच्ची का जो बस्ता होता है और जो सामान होता है वो स्कूल के अंदर ही होता है। उनका साफ तौर पे कहना है इसमें कहीं ना कहीं उन शिक्षकों की लापरवाही है। उनका दर्द साफ तौर पे उनकी बातों से बयां हो रहा था कि कहना था कि उनकी 12 साल की बच्ची है, वो पहले बच्ची स्कूल जो होता है बच्चों का सेकंड घर माना जाता है, लेकिन उसके बाद उस तरह की घटना स्कूल के अंदर हो जाती है, स्कूल के पास में बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला जाता है और फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती। उनका साफ तौर पर यही कहना है सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर है और जो जो दोषी है उनको सबको सजा दी जाएगी इस पूरे मामले में। बिल्कुल जियाउद्दीन, आगे क्या कार्यक्रम, क्या आज टोंक में ही रुकने का कार्यक्रम है, उनका परिवार से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम, ऐसा कुछ? देखिए, तो फिलहाल उनका जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो अध्यक्ष हैं संगीता जी, वो टोंक में ही रुकेंगी आज। परवास यहीं पे अधिकारियों से पूरा फीडबैक लेंगी, जिला कलेक्टर और SP के साथ मीटिंग करेंगी। उसके बाद कल उस स्कूल के अंदर जाने का कार्यक्रम है जहाँ पे वो मासूम पढ़ती थी, उसी के वहां पे जाकर उससे पूरे परिजनों से बातचीत करेंगे। उसकी जो सहपाठी छात्राएं थी उनसे बयान लेंगे और खासतौर से शिक्षकों की क्लास लगाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में वो शिक्षकों को नहीं बख्शेंगी, क्योंकि शिक्षकों की इसके अंदर नेग्लिजेंसी सामने आई, बच्ची स्कूल से गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहला सवाल प्रशासन पे भी खड़ा करा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान तो लगाए हैं, साथ साथ शिक्षा विभाग पे भी लगाए। जी, चलिए, आप नजर बनाए रखिए जियाउद्दीन, फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज संगीता बेनीवाल का टोंक में ही रुकने का कार्यक्रम, हालांकि सर्किट हाउस पहुंचने के साथ ही जब उन्होंने पूरा फीडबैक लिया इस मामले को लेकर, अधिकारियों शिक्षकों को भी लताड़ लगाई, जिस तरह से लापरवाही इनकी नजर आई, स्कूल से बच्ची गायब होती है और किसी को कोई जानकारी नहीं, हालांकि कल वो स्कूल भी जाएंगी, उस जगह पर भी जाएंगी और इसलिए आज टोंक ही रुकने का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ मंत्री ममता भूपेश रवाना हो चुकी हैं अलीगढ़ के लिए, जहाँ परिजनों से मुलाकात करेंगी और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद 5 लाख रुपये की चेक सौंपा जाएगा।